नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज में। गर्भावस्था और प्रसव जबकि एक अनमोल अनुभव महिलाओं के लिए भी संपूर्ण है। अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल और पोषण के लिए जितना समय आपको मिलता है वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता, इसलिए मैटरनिटी लीव और केयर पैकेज भी महत्वपूर्ण है। कई अध्ययन कहते हैं कि जिन माताओं को शुरुआती महीनों में बंधन में बंधने का समय मिलता है वे बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने स्वयं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। या अधिक महिलाओं को स्तनपान कराने, उनकी जरूरतों को पूरा करने, थकान और बेहतर संबंध के जोखिम को कम करने के लिए भी बढ़ावा देता है। नंबर एक, स्वीडन। स्वीडन की सरकार 480 दिनों तक के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की पेशकश करती है। वास्तव में पिता भी मातृत्व लाभ के हकदार हैं। इनके अलावा देश जोरदार या मांग वाली नौकरियों में कार्यरत महिलाओं को शुरुआती दिनों के समय निकालने की अनुमति देता है। इसके अलावा काम के घंटे 25% तक कम करने का विकल्प भी देता है। नंबर दो, नॉर्वे। नॉर्वेजियन सरकार को कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है और यह कामकाजी माता पिता तक फैला हुआ है। नौकरी के आधार पर माताओं को 49 से 50 सप्ताह के पूर्ण भुगतान वाले मातृत्व अवकाश की पेशकश की जाती है। नंबर तीन, क्रोएशिया। महिलाओं के अनुकूल देश के रूप में प्रसिद्ध क्रोएशिया कामकाजी महिलाओं की अच्छी देखभाल करता है, खासकर जो गर्भवती है। शुरुआत के लिए महिलाओं को मुफ्त पूर्व और प्रसवोत्तर चिकित्सा देखभाल जैसे लाभों का दावा करने के अलावा काम करते समय स्तनपान कराने और उक्त अवधि के दौरान फायरिंग और बर्खास्तगी से सुरक्षित रखने के लिए विकल्प के अलावा एक वर्ष तक के सार्वजनिक मातृ अवकाश लेने का विकल्प दिया जाता है। नंबर चार, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में गर्भवती महिलाओं को वेतन में कटौती के साथ 39 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देना एक मानक प्रथा माना जाता है। हालांकि इसमें एक पकड़ है, गर्भवती महिलाएं नियत तारीख से केवल 11 सप्ताह पहले ही पत्तियां ले सकती हैं, केवल तभी अपवाद के साथ जब बच्चे का जन्म समय से पहले हो। महिलाओं को कुछ पंजीकृत अस्पतालों में मुफ्त प्रसव प्रसवोत्तर देखभाल की सुविधा की भी अनुमति है, जबकि लाभ अलग अलग होते हैं। यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यूके को यूरोप में सबसे कम परिवार के अनुकूल देश माना जाता था। नंबर पाँच, भारत। मातृ लाभ अधिनियम में संशोधन के बाद भारत महिलाओं की अच्छी देखभाल और मातृ लाभ प्रदान करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गए। नौकरी पेशा महिलाएं 26 सप्ताह तक के वैतनिक पासपोर्ट का दावा कर सकती है। बिल ने होस्टिंग यानी 50 से अधिक कर्मचारी के लिए कार्यबल में वापस आने वाली महिलाओं के लिए क्रेच की पेशकश करना भी अनिवार्य कर दिया है। 26 सप्ताह में यह पात्र एक विकसित देश के क्रम के लिए अच्छा है जो चीन, पाकिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बेहतर है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।